क्या मनारा चोपड़ा ने बाबू भैया के साथ मिलके एक बार फिर से मुनावर फारूकी की चुगली की है? ये चीज़ें जो है आप लोग सुन भी रहे होंगे काफ़ी सारी जगह पर, अगर आप लोग काफ़ी प्लेटफॉर्म पे जाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, या आप लोगों को चटपटी बातें जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, तो इसीलिए जो है कुछ लोग आपके लिए चटपटी बातें बनाते भी है। चलो भाई, वो उनका काम है, पर मेरा काम क्या है? आप लोगों तक वो बात पहुंचाना जो बात सच है, और जो कहीं नहीं मिलती वो यहाँ मिलती है। तो जल्दी जल्दी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तो कुछ फोटोज़ वीडियोज़ जो है बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं कि कल रात को मनारा जो है बाबू भैया के साथ बैठी थी, और बहुत सारी चुगली जो है उसने बहुत सारी भली बुरी बातें मुनावर फारूकी के खिलाफ जो है वहाँ पर बोली हैं। ये चीज़ आप लोगों को बताई जा रही है। तो गाइज़, मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पर ऐसी चीज़ हुई होगी। और ये क्यों नहीं लगता? एक तो ये चीज़ किसी ने सुनी नहीं है। वहाँ पर जितनी भी देर के लिए इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी, किसी ने सुना तक नहीं है, बिकॉज ऑल कन्वर्सेशन जो है वो म्यूट की गई थी। तो किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला कि भाई मुनावर के बारे में बात कर रहे थे, विक्की के बारे में बात कर रहे थे, या अंकिता के बारे में बात कर रहे थे, या किसी और के बारे में बात कर रहे थे। ये अभी तक किसी को भी नहीं पता, पर आप लोगों को चटपटा मसाला लगा के जो है दिया जा रहा है कि मुनावर फारूकी के खिलाफ जो है मनारा ऐसी बातें कर रही थी। पर मनारा ने वहाँ पर ऐसी बातें नहीं की होगी। इसका मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि मुनावर कल जो है मनारा का बहुत अच्छा स्टैंड लेते हुए नजर आए, और मनारा के साथ साथ रहे, और मनारा जो है काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से बात करती हुई मुनावर के साथ नजर आई है। तो इसका मतलब क्या बनता है? मुनावर के पीछे मुनावर के बारे में बात करने का तो कुछ मतलब नहीं बनता ना। तो अभी देखेंगे कि वहाँ पर क्या कन्वर्सेशन हुई है, सच पानी का पानी दूध का दूध, वो जो होता है, जो कहावत है, वो हो जाएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।